हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स 10 जुलाई के, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल एंड सिलेक्टेड है 10 MCQ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों की प्रिपरेशन को जो बेस्ट बनाएंगे। सो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, 10 जुलाई को किसने वोडाफोन आइडिया के विलय को मंजूरी दे दी है। तो विलय का मतलब मर्ज, तो वोडाफोन आइडिया दोनों को मर्ज करने की मंजूरी किसने दे दी है। दूरसंचार मंत्रालय, राज्य सरकार, नीति आयोग या सूचना आयोग। तो ये दे दी है, दूरसंचार मंत्रालय ने ये परमिशन दे दी है कि 10 जुलाई 2018 को जो वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर है उनके विलय यानी कि उनकी उनको मर्ज करने की मंजूरी दे दी है। और ये दोनों कंपनियां मिलकर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता बन जाएंगी। और जो हमारा दूरसंचार मंत्रालय, इन्होंने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी रखी थी, तो उनके साथ इस चीज को मंजूरी दी है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से किसने ICBC की भारत में दूसरी शाखा खुलने पर रोक लगाई है। राज्य सरकार, गृह मंत्रालय, नीति आयोग या RBI। तो ये किया है हमारा गृह मंत्रालय ने, क्योंकि हाल ही में जो हमारे गृह मंत्रालय है उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बैंक यानी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC की दूसरी शाखा दिल्ली में खुलने पर रोक लगा दिया। और पहली जो इनकी शाखा खुली हुई थी वो खुली हुई थी मुंबई में, तो यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया अभी। तो देखते हैं आगे चल के क्या न्यूज बनती है इसमें से। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जुलाई को मोदी और मून के बीच हुई द्विपक्षीय वार्तालाप में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये हुए हैं हमारे 7 समझौतों पर, क्योंकि जो 10 जुलाई 2018 के अकॉर्डिंग जो हमारी रिसेंटली न्यूज चल रही है साउथ कोरिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिनका उद्घाटन उन्होंने सैमसंग की कंपनी उत्तर प्रदेश के नोएडा में उद्घाटन किया है, तो उन्होंने क्या किया है कि 10 जुलाई 2018 को हैदराबाद हाउस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ इन्होंने वार्तालाप किया है। और वार्तालाप में इन्होंने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, 7 समझौते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनने से पहले ही किसने रिलायंस की जियो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान का दर्जा दे दिया है। तो ये दे दिया है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकसभा या राज्यसभा। तो ये दे दिया है हमारा केंद्र सरकार ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 सार्वजनिक और 3 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का दर्जा दे दिया है, जिसमें IIT के साथ रिलायंस फाउंडेशन का जियो इंस्टीट्यूट भी शामिल है। तो और काफी अच्छी बात है ये कि बनने से पहले ही ये मौका मिला है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से किसने स्मार्ट सिटी फेलोशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है, स्मार्ट सिटी फेलोशिप। तो ये किया है हमारा केंद्र सरकार ने, यानी कि सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। देश में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, भारत के शहरी निवासियों के जीवन को सरल बनाने के लिए ये केंद्र सरकार ने काफी अच्छी घोषणा की है कि इंडिया स्मार्ट सिटी फेलोशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने थर्माकोल से बने बर्तनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब हो चुका है ये हमारा रिसेंटली हुआ है, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है कि जितने भी हमारे थर्माकोल के बर्तन होते हैं यानी कि मिलते हैं, तो जैसे कप, प्लेट हो गए, ग्लास, चम्मच, कटोरी वगैरह, ये सारे के सारे जो हमारे थर्माकोल से बने हुए होते हैं इनका यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर रेस्टोरेंट वगैरह में इनका यूज होता है तो वो प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहां पर जुर्माना भी, मतलब कि जुर्माने के तौर पर बहुत सारी चीजें कंटिन्यू कर दी है। और वहां पर ज्यादातर यूज करने के लिए बोला गया है कि आप लोग कैटरिन वाले बर्तनों का यूज कर सकते हैं, और भी अदर चीजें उन लोगों के ऑप्शन में रखी है। तो देखते हैं आगे और क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने ताजमहल में बाहरी लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी है, बाहरी लोगों को।
तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नीति आयोग या सुप्रीम कोर्ट? तो ये किया है हमारा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ताजमहल में भारी लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आगरा प्रशासन के साथ इस चुनौती को, यानी कि इस चुनौती की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है, उसे कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने उत्कृष्ट संस्थानों की सूची जारी की है? उत्कृष्ट संस्थानों की सूची किसने जारी की है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकसभा या राज्यसभा? तो ये किया है हमारी केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार की तरफ से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत देश के उत्कृष्ट संस्थानों की सूची जारी की है, जिसमें 3 सरकारी और 3 निजी संस्थान शामिल हैं। तो ये भी चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पश्चिमी रेलवे के राजकोट डिवीजन में, सॉरी राजकोट डिवीजन से प्रथम डबल स्कैट डिफॉल्ट कंटेनर सेवा शुरू की है? तो कहां पर ये, मतलब कि ये सेवा शुरू किया है तो किसने शुरू किया ये बताना है। केंद्र सरकार, भारतीय रेलवे, नीति आयोग या रामनाथ कोविंद? तो ये किया हमारी भारतीय रेलवे ने। और इसमें क्या है कि जो हमारे रेलवे है उसमें पश्चिमी रेलवे के राजकोट डिवीजन से माल ढुलाई वाला जो पर्टिकुलर ट्रेन है होती है उसमें प्रथम डबल स्कैट डिफॉल्ट कंटेनर सेवा शुरू कर दी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और उन्नति, यानी कि थोड़ा सा विकास के लिए और काफी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए ये डिपार्टमेंट का जो है, मतलब ये सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, इनमें से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो किस देश ने किया है? जापान, इंडोनेशिया, मालदीव या इसराइल? तो ये किया है हमारा इसराइल, इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसराइल देश के इसराइली मंत्री स्तरीय समिति ने प्रदूषण फैलने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है और ये भी दबाव बनाया है कि राज्य द्वारा प्रदूषण नियंत्रित हेतु कई नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि कई नियम का पालन नहीं हो रहा था, तो इस चीज को भी यहाँ पर रखा गया है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो आप लोगों की आज की वीडियो के बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आज की यानी कि जो हमारी रिसेंटली 10 जुलाई के जो भी करंट है यहाँ पर थे, और बहुत ही अच्छा है। कंटिन्यू हमारे 1 से 10 तक हो चुके हैं, अगर आपको रिविजन के तौर पर करने, एक दिन में आप कर ही सकते हैं तो एक दिन के अकॉर्डिंग या 2-3 दिन के अकॉर्डिंग आप रिवाइज भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मेरे सामने, और सबसे अच्छी बात है कि मुझे फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है इस चीज को, तो मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगी आप लोगों के सामने। सो आप भी अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस।